मन ही मन में सोच गया और देर जरा सीना करी उस खूनी किले मैं पहुंच गया तेरी री और जब राजा वीर विक्रमाजीत उस खूनी किले में पहुंचा घोर अंधेरा था। ये शास्त्र बताते हैं राजा वीर विक्रमाजीत के पास चार वीर थे। अपने वीरों को कहा, अरे वीरों, जी महाराज, भाई महल में दीपक जलना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। चारों तरफ दीपक जल जाते, रोशनी हो जाती है। राजा वीर विक्रमाजीत ने देखा जब रोशनी हुई महलों में तो राजा वीर विक्रमाजीत पांचों हथियार लेकर के आसन लगा लिया और लौट गया और अपने वीरा ने बोला, अरे वीरो, कहिए महाराज। वीरो, ओ वीरो। जी महाराज, आदेश। प्रणाम महाराज, कहिए क्या हुक्म है। बीरो जी, भाई देखिए मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। अच्छा महाराज। और देखिए ये पांचों हथियार रखे हैं मेरे। जी, ये मेरा आसन लगा हुआ है। हाँ महाराज। पर जब छोरी का मुंह तो वरना कण निकले ना। हाँ, या रतन कौर जो लेटी हुई है। हाँ महाराज, जो रतन कौर लेटी हुई है, जब वो नाकन निकले ना। हाँ भाई, जब बताए दियो मुझे महाराज। हाँ देखो, नाकन निकलेगी जब तो बता देंगे, पर देखो कि मुंडी मुंडी निकले ना तो हाँ। उनको काम तमाम कर दियो। काम तो तमाम कर दूंगा नहीं मैं तो महाराज, फिर थारा में बढ़ेगो। अच्छा, हाँ काम तमाम कर दूंगा। हाँ सुनना हुआ है, बात हो जाती है। रात के 12 बजे लड़की रतन कौर के मुंह ते नागिन निकलती है, लहराती हुई बड़खाती हुई। अरे बीरो, अरे बीरो, ओ बीरो। जी महाराज। कड़े मर गए महाराज, नींद का सा समय हो रहा था। अच्छा, हाँ नहीं बीरो, थारे भी फोन कितना कितना लागते रहे से। भाई छोरी छोरी से ना कड़ी लिकड़ी के ना महाराज, कुछ 5-7 मिनट की बात है। अच्छा, हाँ बस ही। हाँ भाई, नाकन लिकाड़ो भाई। महाराज नाकन की मूछ मूछ निकली है अभी। हाँ नाकन लिकाड़ो भाई। हाँ गणली करती है। ठीक 12 बजे जब नागण निकलती है, महाराज निकली आई, निकली आई। हाँ ले मेरे लिए तलवार दे, मेरे लिए ले लो ना। राजा वीर विक्रमाजीत कटार खींच करके नागण के 3 टुक बना देता है, खत्म कर देता है और सिराने लगा के सो गया। रोग काट दिया छोरी का, जो बचपन से रोग था, जो रोज मानस की भेंट लेती थी। अब राजा वीर विक्रमाजीत ने विचार किया, भाई अब तेरे को आराम करना चाहिए, सो जाना चाहिए। और इधर को सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय लड़की को होश हुआ, क्यों पहले तो वह नागणी डस के मानस ने पेट में बढ़ जाती, वो बेहोश हो जाती, लेकिन आज वो बीमारी कटकी। और जब लड़की को होश हुआ तो राजा वीर विक्रमाजीत चादर तान के सोया हुआ था। भाई कुर्सी देना, देखा बेटा, एक चादर तान के सोया हुआ था लड़की, होश होता है, कुर्सी दे दे बेटा। यार और कैसे वो रतन कौर को जब होश आता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय, खड़ी होती है, क्या बताया
जाए तेरे पीछे जब आज के ब्रह्मा आ गया ब्रह्मपुरी ते के शिव शंकर आ गया कैलाशपुरी ते रोग के इंद्र आ गया इंद्रपुरी ते आज मेरा ये रोग किसने काटा देखना चाहिए। ओहो यो रहना दीवे तले अंधेरा ओ मुसाफिरे ओ बट्टे ओ तेरे कान में चकचुंदर व्यागी भाई गड्ढा ही सुत्या से जग नहीं जगाना चाहिए। देखती हूं कौन है जी चाली मेरी हो दिखा दे सेवन वाले जाग मुसाफिर मैं कदरू के तेरी हो सुनावण खतरे के विष्णु आ गया सत्य लोक ते सतज महावण खतर है के शिव जी आ गया कैलाशपुरी ते राख रमावण खतर इंद्र आ गया इंद्रपुरी ते आठ मिलावण खतर है सिंगनी के कहीं हो होशे लाले जाग मुसाफिरे लड़के रुक के तेरी हो की बेबार पड़ी तने जाने बचारी तेरी हो होशे लाले जाग मुसाफिरे लड़के रुक के तेरी हो पर देसी जाना नहीं तो बोलता ले और का नाम लेती हूं कि मैं रोण मत हो सुनिए के वीर सेन कानड़ राजा जन दमयंती ब्याही थी के राजा दशरथ के राम के सीता जी आई थी के नंद का बेटा श्री कृष्ण से जन्म जी थाई थी के कुलती का अर्जुन से जन्म द्रौपदी ब्याही थी और के कुलती का अर्जुन से जन्म द्रौपदी ब्याही थी पड़ी
उसमें ते हो दो घंटे हो गए इसने जगाते जगाते देवी प्रणाम ले तेरी प्रणाम देवी प्रणाम तीन घंटे हो गए जगाते जगाते ईशा भी कई माना सो से मेरे पिता के दरबार में चल रात में 11 बजे सो जा तो बाद में क्यों ये सुरेश जी 100 रुपए मान सम्मान करते हैं रे निर्भाग आदमी दिनेश कुमार जी सुबेदार जी ये 200 रुपए मान सम्मान करते हैं धन्यवाद है धन्यवाद अरे निर्भाग आदमी देवी प्रणाम लुगाई तने बोल रही देवी इतना छो में क्यों आ रही से छो में क्यों नहीं आऊं अरे मेरी नींद खराब कर दी तने तेरी नींद खराब होगी देवी जगा के मेरा क्या करेगी तू नो बता हाँ नहीं नहीं बहू ने ब्याह कर लिया अच्छा अरे बहू करना हुआ खंदावा करके अच्छा अरे फिर रात ने तेरी तरिया जब मोटे आर सो जा तो दूसरे दिन तो केस पान लड़ाई हो जाए देवी इन बात इन बातों से मैं दूर हूँ मैं जब भी तो कह रही हूँ तूने हाँ मेरे पिता दौरे चल तेरे पिता दौरे मेरे पिता की शर्त थी जो भी मेरी इस बीमारी ने काटेगा अच्छा उसने आधा राजपाट अच्छा और मेरा डोला मैं तेरी बीमारी काट दी तू मेरे पल्ले लगेगी पल्ले लागूंगी कोन्या तेरे गांठ में गांठ बांधूंगी अच्छा लमुन पद्दी बिठार चाल के बात ना बैठा सके कुछ कहना चाहती है चल एक काम कर हाँ तू मेरा घोड़ा बन जा मैं तेरी सवारी नहीं तो नू कर ले के तू मेरा मुंह मांगड़ी दे मैं तेरी आँखें दे दूँ नहीं तू कुछ कहना चाहती है आखिरी बात सुन ले क्या कहा था आखिरी में कर लूंगी हो इस दुनिया के रह के ऊपर अपना रहा कर लूंगी हो अपने पिता के दौरे जाके अपना कर लूंगी हो दिन निकले ते पहला मैं सजन तेरी पहला ब्याह कर लूंगी हो एक रसम या करे एक रसम होती है वो कौन सी जात देने दोनों चलांगे जात देने दोनों चलांगे रोह तक हो गए क्यों रोवा सा लूंगी तड़का ताई।